में जादूगर है, बबलू उस जादूगर का मंत्र। आई वॉन्ट बबलू। समझते क्या यार, अब लोग कहते हैं सबका मुंह थोड़ी बंद कर सकते ना। टाइगर के दिल में किसके लिए है सॉफ्ट कॉर्नर। हेलो फ्रेंड्स, दिस इज प्राची एंड आई वेलकम यू ऑल टू बॉलीग्रैड स्टूडियोज। हर एक्टर अपने टैलेंट की वजह से जाना जाता है और यही उसका टैलेंट है जो उसे औरों से अलग बनाता है। जैसे हर इंसान एक दूसरे से अलग होता है, वैसे ही हर एक्टर हर डायरेक्टर एक दूसरे से अलग होता है। जैसे कि हम रोहित शेट्टी को जानते हैं उनकी एक्शन फिल्मों के लिए, तो वही हम करण जौहर को जानते हैं बड़े सेट और ग्रैंड स्केल पर बनाई गई फिल्मों के लिए। वही इम्तियाज अली है मशहूर उनके पहाड़ों के कनेक्शन के लिए। क्या आपको समझ नहीं आया हम किस बारे में बात कर रहे हैं? चलिए हम आपको बता देते हैं क्या है इम्तियाज अली और पहाड़ों का कनेक्शन। हर डायरेक्टर अपनी फिल्म में कुछ स्पेशल चीजें चाहता है जिसे डायरेक्टर स्टाइल माना जाता है। इम्तियाज अली की दुनिया हमेशा ट्रैवलिंग, प्रेम कहानी, ब्रेकअप या फिर सेल्फ रियलाइजेशन से रिलेटेड होती है। पहाड़ों के लिए उनके प्यार को उनकी फिल्मों से बेहतर किसी और ट्रिब्यूट की जरूरत नहीं है। हर एक्टर अपने अलग टैलेंट के लिए जाना जाता है। जैसे शाहरुख खान को हम बॉलीवुड के किंग और रोमांस के किंग बोलते हैं, वहीं हम अक्षय कुमार को पैट्रियोटिक फिल्म के लिए जानते हैं। वहीं हमारे एक्शन सीन के लिए जो फेमस है वो है टाइगर श्रॉफ। फिल्म इंडस्ट्री में टाइगर श्रॉफ अपने एक्शन के लिए जाने जाते हैं और फिर से वो वापस आ रहे हैं अपने हीरो बंटी के सीक्वल को लेकर। इस फिल्म में तारा सुतारिया भी होंगी और फिल्म में तारा सुतारिया के लुक को देख के लग रहा है उनका लुक एंजेलिना जॉली के मिस्टर एंड मिसेस स्मिथ से इंस्पायर्ड है। हो सकता है हीरो बंटी 2 भी मिस्टर एंड मिसेस स्मिथ से इंस्पायर हो। आपको बता दें इस फिल्म का डायरेक्शन अहमद खान कर रहे हैं। अहमद खान ने बागी, बागी 2, बागी 3 का भी निर्देशन किया है। हीरोपंती 1 ने बॉक्स ऑफिस पर खूब धमाल मचाई थी। इसमें टाइगर का परफॉर्मेंस फिल्म का मेन अट्रैक्शन रहा था। वहीं कृति सेनन और टाइगर की केमिस्ट्री को भी इस फिल्म में ऑडियंस ने काफी प्यार दिया था और पसंद किया था।